हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्टकट आंसर चैनल में। अभी आज मैं आपको दूसरा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप किसी भी नंबर का आसानी से क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। क्यूब रूट यानी कि घनमूल। तो बिना किसी देरी के चैनल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 512। जैसे कि ये 512 एक किसी का क्यूब है, हमें पता करना है ये किसका क्यूब है। तो सबसे पहले यूनिट से 3 नंबर लेते हैं। यूनिट मतलब इकाई से 3 नंबर लेते हैं यहाँ। तो इसमें तो 3 ही नंबर है, तो यूनिट पे 2 है। हमें देखना है किसका क्यूब करने पे यूनिट पे 2 आता है। तो हमें इसके लिए ये याद रखना पड़ेगा, 1 का क्यूब के यूनिट पे 1 आता है, 2 पे 8 आता है, 3 पे 7 आता है, 4 पे 4 आता है, 5 पे 5 आता है, 6 पे 6 आता है, 7 पे देखिए 3 पे 7 आता है तो 7 पे 3 आता है, 2 पे 8 आता है तो 8 पे 2 आता है, 9 पे 9 आता है, 0 पे 0 आता है। अगर ये आपने याद कर लिया तो आसानी से आप ट्रिक कर सकते हैं। तो यूनिट पे 2 है तो देखना है हमें किसके यूनिट पे 2 आता है। तो ये रहा 2, 2 रहेगा तो क्या आएगा, 8। तो जैसा कि आप से जानते हैं 512 8 का क्यूब। तो फर्स्ट हमें हमारा हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा बड़ा सा। तो जैसे लेते हैं 17। 17 का स्क्वायर हमें पता करना है, मतलब हम 5 4 8 7 2 ये किसी का क्यूब है, हमें पता करना है किसका क्यूब है 5 4 8 7 2। तो इसको पता करने के लिए यूनिट से 3 नंबर मैंने आपको बताया था, तो यूनिट पे 2 है तो 2 रहता है तो क्या आता है, 8। 8 लिख देंगे, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर आपको काम करनी है, 3 नंबर लिए, 8 लिख दिए, अब बचा क्या, 54। तो हमें पता करना है किसका क्यूब करने पे 54 से कम आता है। तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27 और 4 का होता है 64। देखिए 4 का 64 होता है लेकिन ये 54 है, तो हमें तो हमेशा कम लेना रहता है, तो 4 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, 3। तो ये किसका क्यूब है, 38 का। जी हाँ, 38 का क्यूब है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 39304। यूनिट से 3 नंबर, यूनिट पे 4 है, 4 रहेगा तो 4 ही आएगा, अब बचा क्या, 39। 39 किसका क्यूब करने से कम आता है, 3 का। 3 से 9 3 से 27, 4 का इससे ज़्यादा हो जाता है तो 34 का क्यूब, आप देख सकते हैं चेक करके। तो एक लास्ट और देखते हैं 2197। यूनिट से 3 नंबर लेंगे, 7 है तो मैंने आपको बताया था 7 रहेगा तो क्या आएगा, 3। तो 3 लिख दिया, अब बचा क्या, 2। किसका क्यूब करने पे 2 से कम आता है, 1। तो जी हाँ, आप चेक कर सकते हैं 13 का 2197 होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ शॉर्टकट गुरु को, शॉर्टकट आंसर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।